हमारे साथ युजवीर सहरा जुड़े हुए हैं। नेशनल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल नहीं दिखा रही। बेसिक क्या है कि मीडिया के ऊपर जिस तरह का कंट्रोल कर रखा है सरकार ने, अधिकांश जो चैनल हैं वो इनके ही लोगों ने खरीद रखे हैं और पूरी तौर पे मीडिया इनके कब्जे में, कलम पे पेरा। कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये जो घर से फालतू है वही पर वही बॉर्डर पे बैठे हुए। तो वो तो बीजेपी के लोग घर से फालतू थे जब ये कांग्रेस के शासन में आंदोलन करते थे। सबसे पहले तो फालतू यही थे, 70 साल से ये धक्के खा रहे थे सड़कों पे, ये फालतू थे। लेकिन सर आप कांग्रेस से आए हुए हैं, मतलब किसान तो कोई नहीं है ही नहीं। कुछ लोगों के बयान है सर, सोनाली फोगाट है उसने आना। आप ये माइक उठा के आपका इतना ऑब्जर्वेशन तो होगा, कौन आए हुए कौन नहीं आए। हर पॉलिटिकल पार्टी यही आरोप लगाती है जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसी तरह के आरोपों का सहारा लेती है। जब ये बीजेपी आंदोलन करती थी तो तब ठीक था, आज यही जो 3 कानून है इनके विरोध में ये रोज धक्के खाते थे सड़कों पे, बाद में इन्होंने क्यों लागू कर दिए? सहरावत जी की ये जो पंजाब है, पंजाब वाले लोग तो वहाँ पे हरियाणा के रास्ते रोके हुए हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा वासियों को जो कुछ लोग है, ज्यादा नहीं है, कुछ लोगों को बहका करके उकसाया जा रहा है। मतलब हरियाणा का बच्चा इस आंदोलन में पंजाब से ज़्यादा मजबूती के साथ साथ खड़ा हुआ है। ये जो उन्होंने तोड़ने का प्रयास शुरू में किया था ना, SYL की बात छेड़ी थी, कभी कोई बात छेड़ते हैं, कभी खालिस्तानी की बात करते हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा। ये देश को तोड़ने की बातें हैं, अगर हम प्रदेशों में देश को बांट देंगे तो ये देश नहीं। सरदार पटेल ने 565-566 रियासतों को मिला के इस देश का नक्शा बनाया था। आज ये एक एक प्रदेश को अगर इस तरह से तोड़ेंगे, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये बौद्ध है, क्या रहेगा हिंदुस्तान? कौन सा हिंदुस्तान चाहते हैं ये? सहरावत साहब, गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तारी लगातार गिरफ्तारी, देखिए वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं गुजरात गया था, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़े हुआ कि प्रेस, चलती प्रेस में किसी आदमी को अरेस्ट किया जाए। और मेरा ऑफेंस कुछ नहीं था, मेरा ऑफेंस ये था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिस प्रदेश में आज़ादी ना हो उस मॉडल को मोदी देश में लाना चाहता, वो कहता गुजरात मॉडल देश में लागू करूँगा। गुजरात मॉडल ये है कि वहाँ आप अपनी बात कहोगे तो पुलिस आपको पकड़ के जेल में। पुलिस कह रही है वहाँ पर इजाज़त नहीं ली गई थी। तुम प्रेस में काम करते हो या वैसे ही उठा रहे हो इसको? आज तक किसी ने प्रेस की परमिशन ली हो हिंदुस्तान में? ये मोदी बता दे। मीटिंग की कह रहे थे, मीटिंग। अरे मीटिंग नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसने कह दिया मीटिंग थी? दुनिया की प्रेस कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाया, तुम कह रहे हो मीटिंग से उठाया। अब तो सोशल मीडिया पे बोलने पे भी उठाया जा रहा है किसानों को, जो अभी रवि आजाद को उठाया गया था, इसके बारे में क्या? नहीं ठीक है, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को भी जो है भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और मैं उसका हिमाती नहीं हूँ अमर्यादित भाषा बोलने का, लेकिन वो गलत है इस तरह से। और हम उसके रवि के साथ हैं और उसकी रिहाई के लिए हमारा पूरा संगठन पुरजोर प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। आप सुन पा रहे थे अभी सहरावत, जो युद्धवीर सहरावत यहाँ पंचायत, महिला पंचायत के अंदर, महापंचायत के अंदर पहुँचे हैं। टोल प्लाजा जो रामायण के ऊपर अभी फिलहाल चल रही है, आपको हम जो और भी तस्वीरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से, मैं रणसिंह पवार।